बहराइच में हिंसा के मामले में पहले आरोपियों का एनकाउंटर होता है और अब हिंसा वाले पूरे इलाके में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू हो गई है। बुलेट के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी है और बुलडोजर एक्शन को लेकर अतिक्रमण करने वालों में कैसा खौफ है वहां की तस्वीरें बयां कर रही हैं। जिला प्रशासन की ओर से नोटिस चस्पा होते ही लोग खुद अतिक्रमण तोड़ने में जुट गए हैं। बहराइच हिंसा के जिन आरोपियों पर पुलिस की बुलेट चली, अब उनके घर वालों को बुलडोजर एक्शन का खौफ दिखाई दे रहा है। मकानों दुकानों पर लाल निशान लगे तो तय हो गया कि प्रशासन का बुलडोजर यहां गरजने वाला है। जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा हो गया है, 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हामिद के मकान पर भी जिला प्रशासन ने नोटिस चस्पा दिया। अब डर ऐसा है कि ट्रैक्टर पर दुकानों का सामान लादा गया, क्योंकि कार्रवाई तो तय है तो नुकसान कम हो इसके लिए खुद ही एक्शन लिया जा रहा है। समय में उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे इस पूरे यहाँ से दंगे शुरू हुए थे और सामने आप मेरे जो देख पा रहे होंगे वो मुख्य आरोपी हामिद का मकान है और यहाँ पे आसपास के 22 घरों पर बुलडोजर का एक्शन होना है, क्योंकि यहाँ पर कल पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जो है वो चस्पा कर दिया था और कहा था कि जो भी अवैध निर्माण है उसको 3 दिन का समय दिया गया था, या तो वो लोग जो है वो अपना जो निर्माण है अवैध निर्माण वो खुद हटा ले या तो बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की ओर से जो नोटिस दिया गया उसकी मियाद कल खत्म हो रही है, जिसके बाद सिर्फ हामिद ही नहीं बल्कि आसपास की कई दुकानों और मकानों से सामान निकाला जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग जो हैं, उन्होंने खुद से कुछ लोगों ने अपना जो सामान है वो खुद से निकालना शुरू कर दिया है, जो अवैध निर्माण है वो उन्होंने खुद से तोड़ना शुरू कर दिया है। हालांकि ये जो लोग ये कर रहे हैं ये कुछ ही लोग कर रहे हैं, बाकी बहुत सारे घर ऐसे हैं जिस पर नोटिस चस्पा है। बहराइच में कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर एक्शन की तैयारी है तो उधर विपक्ष हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार नाकामी छिपाने के लिए ये सब कर रही है। बहराइच में हत्या हुई है वो एनकाउंटर नहीं है, ये सरकार हत्या करती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए। बहराइच में हत्या हुई है वो एनकाउंटर नहीं है, ये सरकार हत्या करती है अपनी नाकामी छिपाने के लिए। 13 अक्टूबर को बहराइच में हुए बवाल में रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई, जिसके बाद महाराजगंज इलाके में हिंसा बढ़ी। मामले में पुलिस 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार किया है। अब एनकाउंटर और बुलडोजर एक्शन पर सियासत भी खूब हो रही है। प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, बहराइच।